दोस्तों बीच आईपीएल में बीसीसीआई ने चेंज कर दिया है आईपीएल 2022 का शेड्यूल, जहां पर कोविड-19 का एक और बार अटैक आईपीएल पर हमें होता हुआ जो है वो आया है नज़र। पूरी खबर आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कोविड-19 की वजह से आईपीएल 2022 हो सकता है सस्पेंड? आप अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों अभी तक आईपीएल 2022 के हम 29 मुकाबले जो है वो देख चुके हैं, बहुत ही शानदार ये सीजन अभी तक आईपीएल 2022 का हमें नजर आ रहा है। लेकिन आज 30वां मुकाबला जब खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, इससे पहले एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से, जहां पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का एक खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव जो है वो पाया गया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से बहुत ही बुरी खबर इस समय निकल कर आ रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो कि अपने प्रैक्टिस सेशन आज और कल रखने वाली थी, दोनों ही प्रैक्टिस सेशन को जो है वो कर दिया गया है कैंसल। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के जो फिजियो थे वो भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, और इसके बाद अब यहां पर पहला खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव जो है वो पाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ जो है वो खेलने वाली है 20 मार्च को, और अगर दोस्तों एक आधोर केस पाए जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में तो इस मुकाबले को रीशेड्यूल किया जा सकता है और यहां पर एक दो दिन आगे जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों आईपीएल 2022 के शेड्यूल के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ने वाला है, लेकिन आशा यही करेंगे कि यहां पर कोई भी और केस जो है हमें नजर ना आए, बाकी सभी खिलाड़ी जो हैं उनकी रिपोर्ट्स आए नेगेटिव। आपको बता दें दोस्तों पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आरसीबी के खिलाफ जो है वो खेला था, और ऐसे में अब आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं उनकी टेस्टिंग भी जो है वो बढ़ाई जाने वाली है। तो बड़ी खबर इस समय निकल कर आ रही थी जो कि हमने आपको दी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।